नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी यूपी ट्रिपल प्लस सी एन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुख्य परीक्षा रिवाइज्ड उत्तर कुंजी जारी होने से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलने जा रहा है बहुत बड़ी खुशखबरी जो भी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए हैं सभी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का मौका मिलेगा बहुत कम कटाफ रिजल्ट जल्द ही घोषित समझो दोस्तों रिजल्ट घोषित हो गया है रिवाइज आंसर की आने के बाद दो से तीन दिन के अंदर रिजल्ट घोषित तो हो जाएगा मुख्य परीक्षा दिए हुए सभी अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट एकदम तैयार करके रख ले दोस्तों यह भर्ती एकदम पारदर्शिता एकदम साफ हो रही है कोई इसमें झोल नहीं है कोई पेच फंसने वाला नहीं है दोस्तों जो भी न्यूज रहती है मेरे द्वारा रियल और ऑथेंटिक न्यूज रहती है सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा चैनल पर नए तो अभी आपके पास मौका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित एक वीडियो में और बनाऊंगा कैसे कैसे क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने वो सब बताऊंगा उसके लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करिएगा एक लाइक जरूर करिएगा चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूं कि रिवाइज आंसर के आने के बाद कैसे उलट फेर हो गया अब दोस्तों देखिए एक नंबर बढ़ने से एक नंबर बढ़ने से रैंक में जो है बहुत से अभ्यर्थी बढ़ गए हैं बहुत से अभ्यर्थियों का घाटा हो गया है क्योंकि जिन्होंने जो वह उस प्रश्न का उत्तर वही किया था वही उनको नंबर मिला है नहीं तो सभी अभ्यर्थियों का एक नंबर बढ़ा है अगर वह प्रश्न को गलत किए हैं तो उनको एक नंबर मिला है अगर वही उत्तर जो है उन्होंने किया मतलब गोला करके आए हैं तो उनको नंबर नहीं मिला बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं तो दोस्तों बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि भर्ती जो होने जा रही है बताया जा रहा है कि दो गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दो दो गुना इसका मतलब दो गुना का मतलब नौ हजार का अठारह हजार हो गया दोस्तों नौ हजार दो सौ बारह का अठारह हजार समथिंग अठारह तो हजार समथिंग परीक्षा ही नहीं दिए हैं केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो, वेरिफिके... वो सॉरी एडमिट कार्ड ही केवल उनका जारी हुआ था जिसमें से केवल सत्रह हजार सात सौ पचास अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है सत्रह हजार सात सौ पचास अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है और सत्रह हजार सात सौ पचास अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का मौका एकदम मिलने जा रहा है जैसे यूपी पी एन एच एम एन एम पाँच हज़ार पोस्ट आई थी उसमें सभी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का मौका मिला था फिर उसके बाद एक कट ऑफ जारी हुई थी कट ऑफ के दायरे में जितने लोग आए थे उन्हीं लोगों का हुआ था तो दोस्तों उसी हिसाब से इसमें भी है मुख्य परीक्षा में आप जितना नंबर पाए हैं मुख्य परीक्षा में आप चाहे चालीस नंबर पाए हों चाहे पचास नंबर पाए हों और अगर संविदा ए एन एम तो उनका जो है वेटेज मतलब एक साल का तीन नंबर के हिसाब से उनको पाँच साल का पंद्रह नंबर मिलेगा बहुत बड़ा फायदा अगर होने जा रहा है तो संविदा ए एन एम का होने जा रहा है जो भी न्यूज बता रहा हूँ दोस्तों रियल और ऑथेंटिक न्यूज आप लोग को बता रहा हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा चैनल पर नए तो अभी मौका है आपके पास रियल न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं न्यूज़ सुन लेते हैं उसके बाद जो है कहते हैं छोड़ो जाने दो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए क्या होता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाता है मैं आप लोगों को अगला वीडियो जो बताऊंगा उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बताऊंगा इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है मौका जो मिल रहा है कैसे कैसे है उसमें क्या क्या बनवाना है अभी आप लोगों को क्या क्या नहीं बनवाना है यह सब जो है आपको पता चलेगा बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं सर मेरा डॉक्यूमेंट जो है ए, पुराना है जैसे पुराने का मतलब जाति प्रमाण पत्र मैंने 2017 में 16 में बनवाया था तो दोस्तों क्या होता है जो पुराने डॉक्यूमेंट है अभी आप लोग के पास मौका है एक सप्ताह के अंदर जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र ई प्रमाण पत्र यह सब अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो अभी आपके पास मौका है वह सब आप लोग बनवा लीजिए किसी भी हालत में हर हाल में अगर आपको आरक्षण का मौका लेना है अगर आपने फॉर्म में अप्लाई किया है कि मैं ई डब्ल्यू एस एस सी एस टी ओ बी सी से हूँ मुझे लाभ चाहिए विकलांग हूँ तो आप उसका प्रमाण पत्र जरूर लेटेस्ट प्रमाण पत्र ज़रूर बनवा कर रख लीजिए दोस्तों क्योंकि काउंसलिंग के समय क्या होता है जब पुराना डॉक्यूमेंट रहता है तो उस समय छाँट कर निकाल दिया जाता है तो आप लोग ये गलती मत करिएगा परीक्षा से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो है कैसे ओ एम आर सीट भरी जाती है उसके बाद भी बहुत कम अभ्यर्थियों ने वीडियो को देखा उसके बाद देखने के बाद भी बहुत से लोगों ने गलती कर दिया तो आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलती नहीं करना है पास होते हुए भी अगर आपने डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किया है तो आप चयनित से वंचित हो जाएंगे तो दोस्तों मेरी बात को एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा जो मैं कहता हूँ रियल कहता हूँ मैंने कहा था आप लोगों के नंबर बढ़ेंगे मैंने दो से तीन नंबर की बात कहा था लेकिन आपत्तियाँ बहुत कम गई थी आपत्ति एक प्रश्न पर ज़्यादा गई थी और कम से कम दो प्रश्न अभी दोस्तों ऐसे और थे जिन पर आपत्तियां जानी चाहिए थी लेकिन बहुत से अभ्यर्थियों ने कहा सर मुझे आपत्ति करने का जो है नियम ही नहीं पता है तो दोस्तों जब नहीं पता है तो कैसे आप अपना जो है लाभ ले पाएंगे इसीलिए कहा जाता है कि अपना हक छीनने के लिए जो है मैदान में आना चाहिए तो बहुत से अभ्यर्थियों को नहीं पता था ठीक है कोई बात नहीं जितनी एनम बहने जो है अपना मिलान की हैं अच्छा ही उन लोगों का स्कोर हुआ होगा क्योंकि मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी प्रश्न रहे लगभग सत्तर से पचहत्तर परसेंट जो है एनम पेपर में आए थे तो दोस्तों आप लोग यह गलती कभी मत करिएगा आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जो है एकदम तैयार करके रखिए जो बता रहा हूँ रियल बता रहा हूँ आप लोगों को सभी लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का मौका मिलेगा जल्द ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा उत्तर कुंजी जारी हो गई है फाइनल है दोस्तों अब इसके बाद कोई भी प्रक्रिया नहीं है बस केवल आपका रिजल्ट आएगा रिजल्ट के बाद कुछ दिनों के बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का मौका मिलेगा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा वह सब लेकर मैं आप लोगों का कन्फ्यूजन एकदम दूर करूंगा तब तक के लिए जो है आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक करिएगा दोस्तों बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए न्यूज़ लेकर आता हूँ धन्यवाद